करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है आपका वो है भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति को लेकर के। एक रिपोर्ट आई आपकी जिसमें से हिम तेंदुए बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाला जीव है, ये आपका हिम तेंदुआ, इसकी अभी रिपोर्ट जारी की गई कि इनकी संख्या कितनी है, स्नो लेपर्ड बोलते हैं ये। तो 30 जनवरी 2024 को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इनकी संख्या कितनी है, इनकी स्थिति क्या है, इस पर रिपोर्ट जारी की गई। ठीक है, किसने जारी की? केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी की गई। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अंतर्गत इनकी संख्या कितनी है, इन संख्याओं को लेकर के ये मूल्यांकन किया गया है। ठीक है, पहली बार किया गया है, ये संपूर्ण मूल्यांकन किया गया है कि क्या स्थिति अभी इनकी है। तो ये एक आपकी जो है रिपोर्ट आपकी आई है हिम तेंदुओं को लेकर के। तो हिम तेंदुओं की टोटल संख्या की बात करें तो टोटल संख्या है 718। भारत में कुल संख्या का कितनी है? भारत में है 718 कुल संख्या। आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा, साथ साथ मेरे लिखते जाइएगा, अपने पेन कागज में आपको चीजों को लिखते जाना है, तो आपको लिखते हुए जरूर चले जाना है। टोटल हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? 718। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार। अच्छा, अब इनमें राज्यों के आधार पर यदि हम इसको बांट के देखते हैं तो राज्यों के आधार पर सबसे ज्यादा हिम तेंदुआ पाया जाता है लद्दाख में। लद्दाख में, लद्दाख में इनकी संख्या है 477। बर्फीले क्षेत्रों में ही पाया जाएगा। लद्दाख हो गया, उत्तराखंड हो गया, आपका दूसरे नंबर पर उत्तराखंड है, यहां पर 124 है इनकी संख्या। ठीक है, सबसे ज्यादा लद्दाख में है, फिर उत्तराखंड में है, इसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में 36 के आसपास है इनके, इनका जो आंकड़ा है, नहीं, अरुणाचल से पहले हिमाचल प्रदेश है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, इसके बाद है आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के अरुणाचल प्रदेश। तो आपको ये याद रखना है, बस इतना ही डेटा है, इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत है नहीं आपको। भारत में 718 है, लद्दाख सबसे ज्यादा है, फिर उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इसके अलावा कहां पाया जाता है? सिक्किम में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। सिक्किम हो गया, बर्फीले क्षेत्र जितने हैं आपके, और जम्मू कश्मीर हो गया, यहां पर भी हिम तेंदुआ पाया जाता है। ठीक है, तो टोटल संख्या, अनुमानित संख्या कितनी निकल के आई है? 718 पाई गई है। देखो, आयुषियन जो आपका है उसके लाल, जो उसकी लाल सूची है, रेड लिस्ट है, उसमें इसको जो है सुभेद के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यानी अभी ये संकटग्रस्त प्रजाति के तौर पे नहीं है। भारत सरकार के द्वारा हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड भी लॉन्च किया गया था। तो 2009 पे जैसे प्रोजेक्ट टाइगर चलता है, वैसे 2009 पे सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, ताकि इसके आवासों का संरक्षण किया जा सके और इस जीव की संख्या को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा आपको पता है कि जब खेलो इंडिया शीतकालीन खेल जो आपके होने इस बार के 2024 के, उसका शुभंकर भी आपका हिम तेंदुए को ही घोषित किया गया है। खेलो इंडिया 2024 का जो आपका शीतकालीन सेगमेंट है, खेलो इंडिया 2024 शीतकालीन खेल जो आपके होने हैं, इसका जो शुभंकर है वो भी हिम तेंदुआ ही है, स्नो लेपर्ड को ही इसका शुभंकर रखा गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इस शुभंकर का नाम शान रखा गया है, वैसे इसका नाम है सीन ए सी, सीन ए सी, जिसका मतलब है शान। ठीक है, तो एक शुभंकर जो होता है हर बार रखा जाता है आपको। एक चीज और ध्यान रखिएगा, हर साल 23 अक्टूबर को हिम तेंदुआ को लेकर के अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस भी मनाया जाता है, इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डेज वीक के तौर पे भी मनाते हैं। तो अभी हिम तेंदुआ की क्या हुई है, जनगणना की गई थी, और इस जनगणना में पाया गया कि भारत में हिम तेंदुओं की संख्या 718 है, ये लद्दाख में सर्वाधिक है, फिर उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर सिक्किम, फिर जम्मू कश्मीर। ठीक है, और ये आप सभी को ध्यान में रखना है। ठीक है, 718 टोटल संख्या है। इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है पैंथेरा अंसिया होता है, पैंथेरा, इसका साइंटिस्ट नेम है पैंथेरा
अंसिया, ठीक है। तो हिम तेंदुए का वैज्ञानिक नाम यह है। ये कुछ बेसिक जानकारी है जो कि देखो चर्चा में रहा, पता नहीं कहां से चीजें निकाल ले आयोग है। अब ये आप जो देख रहे हैं आपके पीछे एक इंडस्ट्रियलाइज एरिया है, आप लोग भरोसा नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे, भारत का सबसे प्रदूषित शहर की फोटो है। और ये सबसे प्रदूषित शहर आपका जो एस्टेब्लिशमेंट है ये एक पर्वतीय क्षेत्र में है, क्योंकि पीछे आप पहाड़ देख रहे होंगे। कई बार हम पर्वतों में जाते हैं तो हमें लगता है यहाँ साफ सुथरी हवा है, लेकिन जहां औद्योगीकरण पहुंच गया है वहां पे साफ सुथरी हवा रह नहीं गई है। तो अभी जनवरी 2024 में एक स्वतंत्र अनुसंधान संगठन है CREA, सेंट्रल फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, ठीक है, CREA, इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर रिसर्च एंड रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, यानी कि ये आपका जो है स्वच्छ वायु गुणवत्ता के आधार पर ही अनुसंधान कार्य करता है आपका ये। इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, आप बस CREA लिख लीजिए, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें भारत में सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट जारी की गई कि सबसे प्रदूषित शहर कौन कौन से हैं भारत में, ठीक है। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है, टोटल 227 शहर जो है इसके तहत बताए गए कि इनकी स्थिति क्या है। अब आप कहेंगे सर तो सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो सबसे प्रदूषित शहर जो है ये पर्वतीय क्षेत्र है मेघालय में सबसे प्रदूषित शहर है मेघालय में। जगह कौन सी है, वर्नीहाट शहर सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। तो वर्नीहाट सबसे प्रदूषित शहरों में से एक रखा गया है। देखिए औद्योगिकृत आपका शहर है, कुछ इमेजेस मैंने आपके लिए हैं, वर्नीहाट की इमेजेस हैं। तो नंबर एक में तो वर्नीहाट है, सबसे प्रदूषित शहर है ये अभी के लेटेस्ट है। दूसरे नंबर पे बेगूसराय है, बेगूसराय जो है बिहार में है आपका, और बेगूसराय को भारत की एक तरीके से बिहार की इंडस्ट्रियल कैपिटल बोलते हैं, ये भी औद्योगिकरण यहाँ पे भी बहुत ज्यादा है। तो बिहार में बेगूसराय दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे हमारे जो है उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा को रखा गया है, ग्रेटर नोएडा की हवा भी अब खराब हो रही है, तो यूपी का ग्रेटर नोएडा तीसरे नंबर पे रखा गया है। ये आप टॉप थ्री ध्यान रखिएगा, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। बर्नीहाट मेघालय में पड़ता है, ठीक है, इसके बाद आपका बेगूसराय है, फिर आपका ग्रेटर नोएडा, चौथे नंबर पे श्री गंगानगर ये आपका राजस्थान में पड़ता है, श्रीगंगानगर, ये भी आपका एक तरीके से डेवलप्ड है, यहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल ने इस क्षेत्र को सिंचित कर दिया है, ठीक है। सभी को क्लियर है भाई, बर्नीहाट मेघालय का सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट के अंतर्गत आया है। बर्नीहाट में जो वार्षिक औसत सांद्रण है PM10 का 301 जो है आपका माइक्रोन जो है मीटर स्क्वायर के आसपास दर्ज किया गया। तो ये अपने आप में सबसे प्रदूषित शहरों में से आपको ध्यान रखना है। अच्छा देखा जाए यदि राज्य की बात करें तो राज्यों में बिहार के सबसे ज्यादा शहर है, लगभग 19 शहर बिहार के हैं, यानी बिहार में भी औद्योगिक गतिविधियां बढ़ रही हैं और यहां पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका गिरता जा रहा है, यहां पर भी प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, बर्नीहाट सबसे ज्यादा प्रदूषित है, ये भी दिमाग में बैठा के रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बर्नीहाट मेघालय का है, भारत के सबसे प्रदूषित, दूसरे नंबर पे बेगूसराय, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है आपका, हाँ टाइगर देख पा रहे होंगे आप, इसको कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं, यहां पे चार इमेजेस हैं। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बनाया गया है आपका, भारत का पहला डार्क, लिखते जाइएगा, स्काई पार्क, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कहां बनाया गया आपका, यह बनाया गया है पेंच बाघ अभ्यारण्य को। यह भारत का पहला जो है आपका डार्क स्काई कौन सा है, पेंच बाघ अभ्यारण्य है आपका, टाइगर रिजर्व है, इसी को बनाया गया है। पेंच
पांच बाघ अभ्यारण्य को भारत का पहला यहाँ पे रात्रि वेधशाला बनाई गई, नाइट ऑब्जर्वेटरी यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट की गई है, रात्रि वेधशाला यहाँ पे एस्टेब्लिश की गई, जिसमें जो है तारा अवलोकन भी कर सकते हैं, तारे भी देख सकते हैं। आप देखिए बिल्कुल खुला आसमान यहाँ पे तारे चमकते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे एक जो है वेधशाला स्थापित की गई जहां पे आप तारों का भी आनंद ले सकते हैं। तो तारा अवलोकन के लिए, तारा मतलब स्टार्स वगैरह देखने के लिए, खुला आसमान देखने के लिए पेज यहां पर पेज बाघ अभ्यारण्य में ये पूरा का पूरा एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। डार्क स्काई पार्क बनाया गया है जिसमें रात में आप जो है आसमान का नजारा देख सकते हैं। पेज बाघ अभ्यारण्य एशिया का पांचवा डार्क स्काई पार्क के तौर पर एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। अच्छा, पेज कहां पे अवस्थित है? पेज आपका दो स्टेट में विस्तृत है, एक तो एमपी मध्य प्रदेश में और दूसरा महाराष्ट्र में भी इसका कुछ विस्तार है। तो यहाँ पे खगोलीय वेधशाला एस्टेब्लिशमेंट की गई है जिससे आप खुले आसमान का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, पेंच बाघ अभ्यारण्य में डार्क स्काई पार्क बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दुनिया भर के जितने भी खगोल शास्त्री हैं उनके लिए ये अपने आप में अनुसंधान करता है, उनके लिए के जो अंतरिक्ष पे बहुत रुचि रखते हैं, इसको लेकर रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए ये अनुसंधान में बहुत सहायक होगा। तो ये भी ध्यान में रखना है, डार्क स्काई पार्क दुनिया एशिया का पांचवा है, एशिया का पांचवा है ये। तो भारत का कौन सा होगा? भारत का पहला है ये, भारत का पहला है, ये भी ध्यान रखना है, भारत का पहला बनाया गया, फर्स्ट है ये, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क। इससे पहले जो है ताइवान में आपका एस्टेब्लिशमेंट है, ताइवान में है, जापान में है आपका, ठीक है, जापान में दो है आपके, दक्षिण कोरिया में है, ठीक है, जापान, ताइवान और दक्षिण कोरिया। ये भारत में पहली बार आपका डार्क स्काई पार्क बनाया गया। तो एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, पेच बाघ अभ्यारण्य डार्क स्काई पार्क के तौर पे आपका एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो डार्क स्काई पार्क में होता क्या है, जो नाइट स्काई है आपका, रात्रिकालीन आकाश है, अंतरिक्ष है, उसमें जो है आपको पता है कि उसको इस तरीके से कि आप उसको अच्छे से देख पाए, जो पॉल्यूशन है वो पॉल्यूशन फ्री एरिया है पूरी तरीके से, और वहां से नीला आसमान आपको दिखाई देगा, और इससे जो है एक ऐसा वातावरण सृजित होगा जिससे जो है स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को भी बहुत अच्छे से एस्टेब्लिशमेंट किया जा सकेगा, और यहां से आप अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़ी हुई गतिविधियों को भी देख सकते हैं। तो एक ये आपका जो है इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है? और अभी एक और बनाया जा रहा है, नाइट स्काई अभ्यारण भी एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में। एक चीज और लिख लीजिएगा आप, दक्षिण पूर्व एशिया की, दक्षिण पूर्व एशिया, एक और करंट अफेयर्स इसी के साथ जोड़ लीजिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है, और यह आपका कहां एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है? लद्दाख में, लद्दाख में एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया का क्या बनाया जा रहा है? दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है, यह भी आपको दिमाग में बैठा के रखना है। ठीक है, पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, यह लद्दाख में हानले गांव है वहां पर एस्टेब्लिशमेंट होगा। यह तो आपका पहला जो है टाइगर रिजर्व को एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, पहला जो आपकी सेंचुरी बनाई जाएगी, पहला आपका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी वो लद्दाख में एस्टेब्लिश की जा रही है। लद्दाख में एक गांव है जिसका नाम है हानले गांव, हानले गांव, वहां पर आपका ये बनाया जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला जो करंट अफेयर्स है, धौलपुर करौली, धौलपुर करौली, धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य है आपका, अभ्यारण्य है धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य है। इसको भारत का 55वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है, 55वां बाघ अभ्यारण्य इसको बनाया गया है, 55वां बाघ अभ्यारण्य के तौर पे एस्टेब्लिश किया गया है धौलपुर करौली को। ठीक है, 55वां बनाया गया है धौलपुर करौली को। अच्छा, धौलपुर करौली कहां पर अवस्थित है? धौलपुर और करौली दो ये जिले हैं, ये राजस्थान में अवस्थित है आपका,
राजस्थान, ये दोनों जिलों में अवस्थित है, विस्तृत है आपका। धौलपुर करौली जिले में ही ये बाघ अभ्यारण्य है। इसको भारत का 55वां यानी टोटल भारत में 55 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, टाइगर रिजर्व टोटल कितने, देखो राजस्थान में ओवरऑल 5 टाइगर रिजर्व है, 5 टाइगर रिजर्व है। पहला है आपका रणथंभौर, दूसरा आपका सरिस्का है, तीसरा आपका मुकुंद्रा हिल्स है, चौथा आपका जो है रामगढ़ बिसधारी है, और पांचवा आपका भी धौलपुर करौली बनाया गया। फिर से एक बार बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, राजस्थान में टोटल 5 है, एक रणथंभौर है, सरिस्का है, मुकुंद्रा हिल्स है, रामगढ़ जो है बिसधारी एक जगह है वहां पे आपका ये है, और एक आपका धौलपुर करौली है। तो टोटल 5वां है आपका। इससे पहले एक और आपका बाघ अभ्यारण्य बनाया गया था जो 54वां बाघ अभ्यारण्य था आपका, ठीक है। ये आपका एमपी में एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ठीक है, एमपी में आपका इसके पहले बनाया गया था रानी दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य, वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य, ये आपका 54वां बनाया गया है, 54 इसका गठन किया गया है, वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य, यह भी मध्य प्रदेश का, यह 54वां था आपका। इससे पहले सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिले में आपका विस्तृत था आपका पूरा का पूरा ये। तो ये आपको दिमाग में बैठाना है, ये आपका 55वां है, 55वां ये राजस्थान में है, धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य, वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य आपका 54वां है, ठीक है, ये दोनों आपको दिमाग में बैठाने हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखिए तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियां विस्तृत है, नीलगिरी की पहाड़ियों में नीलगिरी तहर पाए जाते हैं, ठीक है। तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन, उनके द्वारा नीलगिरी तहर परियोजना चालू की गई है, तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा नीलगिरी पहाड़ियां है ना, तहर परियोजना, यह अक्टूबर 2023 में स्टार्ट की गई थी आपकी, 12 अक्टूबर 2023 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के द्वारा एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। दरअसल आपको यह पता होना चाहिए कि जो नीलगिरी तहर है इसको तमिलनाडु का राजकीय पशु घोषित किया गया है, राजकीय पशु, यह नीलगिरी तहर जो है आपका राजकीय पशु है तमिलनाडु का, ठीक है। तो इसका संरक्षण करने के लिए, नीलगिरी तहरों का संरक्षण करने के लिए ये परियोजना आपकी एस्टेब्लिश की गई है, बनाई गई है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में बैठाना है, ठीक है, राजकीय पशु के संरक्षण को लेकर के आपका, और 2022 से लेकर 2027 की अवधि तक आपका ये पूरा का पूरा लागू होगा। और 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस मनाया जाता है, 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस के तौर पे भी मनाया जाता है। तो नीलगिरी तहर आपका पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाला एक जानवर है जो खुरदार पैर होते हैं उसके, और इसको भी IUCN की रेड लिस्ट में, लाल डेटा सूची में आपका संकट ग्रस्त की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो धीरे धीरे इनकी संख्या भी बहुत तेजी से कम होती जा रही है, ऐसे में जरूरी है कि इनकी संख्या को बढ़ाया जा सके। तो नीलगिरी तहर परियोजना आपकी इस रूप में एस्टेब्लिश की गई है। अगला चलिए, ये आप देखिए, ये आपकी कमल की एक नई प्रजाति एस्टेब्लिश की गई है जिसका नाम है नमो 108। ये कमल की एक नई प्रजाति है, इसमें 108 पंखुड़ियां हैं आपकी, ठीक है। कमल आपको पता है देश का हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, ठीक है, तो राष्ट्रीय पुष्प है, तो राष्ट्रीय पुष्प के तौर पे इसको बहुत अच्छे से डेवलप करने के लिए एक लोटस मिशन आपका चालू किया, कमल अभियान स्टार्ट किया गया, और इसके तहत कमल की नई प्रजाति का अनावरण किया गया जिसमें 108 पंखुड़ियां हैं। कितनी पंखुड़ियां हैं, 108। तो एक हाइब्रिड प्रजाति आपकी, आपका लखनऊ में CSIR है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, इसके द्वारा, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां पे है, लखनऊ, इसके द्वारा विकसित किया गया ये नमो 108, ठीक है, नमो 108, यानी 108 पंखुड़ियां है इसमें, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखिएगा, ये आपकी एक प्रजाति आपकी एस्टेब्लिशमेंट की गई है। तो ये नमो 108 प्रजाति आपकी बनाई गई है आपका, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपकी कमल की एक नई प्रजाति है नमो 108,
इसके बाद नीलगिरी तहर परियोजना है आपकी, धौरपुर करौली को 55वां बाघ अभ्यारण्य बनाया गया है, 54वां जो है वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य था, टाइगर रिजर्व था। इसके बाद जो है आपको मैंने बताया भारत का पहला डार्क स्काई आपका बाघ अभ्यारण्य बनाया गया है, डार्क स्काई पार्क के तौर पर एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, ये पेंच बाघ अभ्यारण्य में बनाया गया है। और दूसरा आपका जो है ये सबसे प्रदूषित शहर है बर्नीहाट, और एक करंट अफेयर्स आपका जुड़ा हुआ था हिम तेंदुआ की जनगणना को लेकर के, टोटल संख्या 718 है। ये करंट अफेयर्स से जुड़े हुए क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर्स के आज के सेगमेंट पे ये टॉपिक है, इनको रिवाइज करिए, इनके नोट्स बनाइए, एक से दो बार रिवाइज करने से चीजें याद हो जाएंगी। मैं आपको बहुत शॉर्टकट में बहुत सेगमेंटेड करंट अफेयर्स देके जा रहा हूं, और मैं आपको लगभग 2 साल का करंट अफेयर्स लेके चल रहा हूं, तो परीक्षा तक में करंट अफेयर्स का पूरा रिवीजन हो जाएगा। इससे पहले के जितने भी सेशन हैं सारे के सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, या आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर आपको करंट अफेयर्स वाले सेक्शन पे आपको मिल जाएंगे। तो एक बार करंट अफेयर्स सेक्शन पे, वहां पे आप ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, संस्थान का नया एप्लीकेशन है आपका आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे आप जाएंगे तो वहां पर आपको करंट अफेयर्स का एक टाइल मिलेगा, करंट अफेयर्स का होम पेज पे सारे सेशन बहुत सिक्वेंस वाइज लगा दिए गए ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना आए, तो आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए सभी लोग बहुत अच्छे से रहिए, संस्थान आपको लगातार करंट अफेयर्स में पूरा कंप्लीट कराता रहूंगा, और आप इनको याद करिए, आपके परीक्षा के लिए सबसे उपयोगी करंट अफेयर्स हैं, ठीक है।